नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को पता है कि कल 10 अगस्त को SBI क्लर्क का मेंस का एग्ज़ाम ऑल ओवर इंडिया में होने जा रहा है, तो उसके रिगार्डिंग जो कुछ भी अपडेट अभी अभी SBI के ऑफिशियल वेबसाइट पे आया है, उसके रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। सो आप सभी को पता है कि इस बार बहुत ज़बरदस्त बारिश यहाँ पे महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला और बहुत सारे जगहों पर आपको देखने को मिली है, जिसकी वजह से बहुत लोगों का घर वहाँ से, मतलब घर में भी पानी बहुत घुस गया और जो कुछ भी बेसिक नीड्स से उनकी उस बाढ़ की वजह से चली गई है, तो उनके रिगार्डिंग भी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल अपडेट ये है दोस्तों कि SBI क्लर्क का मेंस का एग्ज़ाम जो महाराष्ट्र में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है और क्लर्क सॉरी केरला और कर्नाटका में भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है, उसके रिगार्डिंग जो ऑफिशियल अपडेट दिया है कि वो एग्ज़ाम वो वही सेंटर्स का एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने ऑफिशियल डेट नहीं दिया है। तो हम जल्दी से ये देख लेंगे कि कौन से जगह पे और कौन से स्टेट्स में एग्ज़ाम पोस्टपोन दिया किया गया है दोस्तों। सो ये आप देख सकते हैं कि SBI ने अभी नोटिफिकेशन जारी किया है और बोला है कि डिफरमेंट ऑफ मेन एग्ज़ाम बेलगाम जो कर्नाटक में आता है, कोल्हापुर जो महाराष्ट्र में आता है, एंड ऑल सेंटर्स इन केरला स्टेट्स, मतलब कर्नाटक में बेलगाम डिस्ट्रिक्ट, कोल्हापुर में महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट एंड केरला स्टेट्स के ऑल सेंटर जहाँ पे भी ये एग्ज़ाम होने वाला था 10 अगस्त को, इनसेसेंट रेन एंड फ्लड की वजह से वो एग्ज़ाम रीशेड्यूल करने वाले और उसकी रिवाइज डेट्स भी जल्दी से जल्दी आपको नोटिफाई की जाएंगी दोस्तों। सो मोस्ट एक्सपेक्टेडली दोस्तों ये जो एग्ज़ाम अभी होगा रिवाइज एग्ज़ाम वो 24 या 25 अगस्त को होने जाएगा दोस्तों, क्योंकि डेफिनेटली उस दिन गवर्नमेंट का कोई सा एग्ज़ाम भी नहीं है दोस्तों। सेंट्रल एग्ज़ाम का होगा, सेंट्रल स्टेट का होगा, सेंट्रल का होगा या स्टेट गवर्नमेंट का या IBPS का भी कौन सा ही एग्ज़ाम उस दिन नहीं है। तो आई होप कि ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 14 to 15 days का एग्ज़ाम डिफर्ड हो सकता है, नहीं तो 17, 18 तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 18 को ऑलरेडी UPSC का CAPF का एग्ज़ाम लाइनअप है और 17 का पता नहीं, तो शायद 17 को विदिन 7 days में ये कंडक्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसके रिगार्डिंग भी अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो 17th और 24th या 25th, ये 3 dates में से एक दिन डेफिनेटली एग्ज़ाम होगा, क्योंकि 31 अगस्त को EPF SSC ऑलरेडी लाइनअप है एंड 1 सितंबर को ESICUDC का ऑलरेडी मेंस है। सो दोस्तों एक बात, एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा, यदि आप जितनी मदद चाहे उतने फ्लड्स अफेक्टेड जो स्टेट्स है वहाँ पे आप कर सकते हैं, उन लोगों के लिए एक इंसानियत के नाते आप वो मदद करेंगे तो आपके लिए भी बेहतर रहेगा और आपको अच्छी दुआएं भी मिलेंगी। यदि ये सिचुएशन आपके फैमिली में किसी को आती है या कल अपने ऊपर भी आती है, तो शायद हम उसी इंसानियत जो होता है, ह्यूमैनिटी होता है, वो एक्सपेक्ट करेंगे अदर लोगों से। तो शायद अब हमारा यही फ़र्ज़ बनता है कि हम उन लोगों के साथ खड़े रहे और उनको ऐसी सिचुएशंस में हेल्प करें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे, हैव अ लवली डे, हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड। गुड बाय।